हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल फिश लवर पीएन। दोस्तों, ये मेरे चारों ऑस्कर फिश है, उनकी आपको मैं अभी ग्रोथ दिखाने जा रहा हूँ, उनकी ग्रोथ कैसे अच्छे से हो रही है। मैं उनको खाने में श्रिम्प और ज़्यादा करके मैं लाइव फीडिंग उनको करता हूँ कभी कभी, पर मेरा डेली मेरा उनका फूड है जो वो मैं श्रिम्प ही उनको खाने के लिए देता हूँ। जो मार्केट में हमारे श्रिम्प मिलते हैं, प्रॉन्स फिश, वही मैं उनको फीड करता हूँ। तो आप उनकी ग्रोथ देख सकते हो। फिलहाल अभी ये दो उसमें वाइट ऑस्कर है और दो ब्लैक टाइगर ऑस्कर है, तो आप देख सकते हो उनकी ग्रोथ कैसे हो रही है। ये मैंने बहुत छोटे थे जब ये ऑस्कर फिश, तभी मैंने इनको परचेस किया था। अभी इनकी साइज़ में, पहले उनको एक छोटे टैंक में रखता था जिसमें मैंने अभी प्लांटेशन किया है, वो टैंक में ये चारों ऑस्कर पहले थे, अभी उसमें मैंने प्लांटेशन किया हुआ है और इनको यहाँ पे नीचे शिफ्ट कर दिया है। मेरे पहले एक फिश टैंक में हादसा हुआ था, एक वो हादसे को पूरा एक साल होने अभी आ गया है, क्योंकि मेरे फिश टैंक में मेरा अरवाना था, मेरा एक पाकू पिराना था, दो टाइगर शोवेल नोस थे। एक्चुअली मेरा एक हादसा ये हुआ कि उसमें का फिल्टरेशन एंड ऑक्सीजन बंद हुआ था एक दिन के लिए, और मैं बाहर था कुछ काम के वजह से, और उनके ऊपर ध्यान नहीं गया, इसके वजह से उनकी फिश टैंक में डेथ हो गई और मुझे बाद में पता चला। पर लेकिन ये ऑस्कर फिश अंदर थे, वो उसमें बच गए, तो अभी ये चारों ऑस्कर फिश उसमें से ही बचे हुए मेरे चारों ऑस्कर फिश है। लेकिन मेरा जो अरवाना था, इतना बड़ा हुआ था, अच्छे से उसकी ग्रोथ हुई थी, वो बेचारा कम ऑक्सीजन के वजह से उसकी डेथ हो गई। तो दोस्तों, अभी ये मेरे चार ऑस्कर फिश बचे हुए हैं, तो उनकी भी अभी मैंने अच्छे से ग्रोथ कर रहा हूँ, उनको भी अच्छे से फीड कर रहा हूँ, इसके लिए उनकी ग्रोथ भी अच्छे से हो रही है। तो दोस्तों, मैंने बीच में एक प्लांटेशन के वीडियो में मैंने जो एक श्रिम्प का वीडियो बनाया था, जिसमें मेरे श्रिम्प ने कुछ बेबीज बॉर्न किए हैं, तो उनके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था। तो अभी उन बेबीज का भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, प्रॉन्स के जो श्रिम्प मेरे बेबीज है, श्रिम्प के बेबीज, उनके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, वो जल्दी आपके लिए मैं अपलोड करने वाला हूँ। उनकी ग्रोथ कैसे हो रही है, अभी उनको भी बॉर्न होके 1 वीक से ज़्यादा हो गया है, तो मैं उसके ऊपर भी एक मैं वीडियो जल्दी आपके लिए बनाने वाला हूँ दोस्तों। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए और आपको इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए कि आपके लिए मैं और अच्छे अच्छे और नए नए फिश के बारे में वीडियो बना सकूँ। तो दोस्तों, अभी आप देख रहे हो मेरे ये ऑस्कर फिश है, उनमें से जो ब्लैक ऑस्कर फिश है वो उनसे भी छोटे है, व्हाइट ऑस्कर से भी मेरे छोटे है वो, लेकिन उनकी ग्रोथ उनसे भी फास्ट हुई है। दोस्तों, आप देख सकते हो दोनों भी ऑस्कर अभी उनके लगभग उनके इतने ही साइज में होने के लिए आ गए हैं। और जो मेरा पेल्को है, ये मेरा बहुत ओल्ड पेल्को है, तकरीबन इसको इनसे भी ज़्यादा वो बड़ा है, ऑस्कर फिश से भी वो बड़ा है, क्योंकि मैंने इसको लिया था तभी बहुत छोटा था, एकदम बेबीज था वो पेल्को, अभी उसकी भी साइज अच्छे से बड़ी हो गई है। तो दोस्तों, आप देख रहे हो मेरे सारे फिश, और मैं जल्दी ही मेरे फ्लोरन फिश के भी ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो मैं वो आपके लिए अपलोड जब भी करूँगा तभी उसके नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा, तो आप वो वीडियो वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो दोस्तों, अभी ये चारों ऑस्कर फिश है, मैं इनको जल्दी अच्छे अच्छे और उनके ऊपर भी मैं अच्छे अच्छे वीडियो बनाने वाला है, जैसे करके मैं उनको लाइव फीडिंग खाने के लिए देता हूँ, लाइव फीड करता हूँ उनको, वो भी मैं आपको वीडियो एक जल्दी अपलोड करूँगा। तो दोस्तों, फिलहाल आपके लिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।